अब तक आपने स्वामी ओम को शो में कई बार इधर उधर के गलत गलत बयान देते सुना। आपने उन्हें कई खतरनाक और कई आपत्तिजनक हरकतें करते देखा। लेकिन अब जो ओम ने कहा है वो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि उन्होंने इस बार तो खुद बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर हल्ला बोल दिया है। बिग बॉस के घर के बाहर जाने के बाद से ही स्वयंभू तांत्रिक स्वामी ओम ने समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सिलसिलेवार तरीके से बहुत से बयान दिए। एक के बाद एक वो ऐसे बयान देते गए जो कि सुर्खियां बनने लगे हैं। विवादित बयानों की कड़ी में स्वामी ने एक दावा और कर डाला। उन्होंने कहा कि शो में वापस आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें शो में वापस नहीं लाया गया तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को ही पीट डालेंगे। खैर, स्वामी ओम ने तो ये भी कहा है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बिग बॉस के सीजन हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा टीआरपी बिग बॉस सीजन 10 की रही, जिसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं था, क्योंकि मैं इस शो में था इसलिए इसकी टीआरपी इतनी हाई गई। अपनी शर्तों को जाहिर करते हुए स्वामी ओम ने आगे भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं सिर्फ एक शर्त पर शो में वापस आऊंगा। जब सलमान खान 10 जनवरी को मेरी तरफ से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़ेंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। अगले ही पल अपने बयानों से पलटते हुए स्वामी ओम कहते हैं कि यदि उन्हें फिनाले में नहीं बुलाया गया तो वो उसे नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर सुल्तान सलमान खान को मंच पर ही पीटूंगा। खैर, स्वामी ओम की ये बड़बोली जुबान यहां तक भी नहीं रुकी और आगे उन्होंने ये भी कहा कि सलमान गद्दार है। मैं 28 जनवरी को 1,00,000 लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसे स्टेज पर ही मारूंगा। खैर, वाकई स्वामी ओम ने जितने भी बयान दिए हैं वो शर्मनाक के साथ साथ हैरत अंगेज भी हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो इस तरह की बातें नहीं कर सकता। पर स्वामी ओम है कि एक के बाद एक ऐसी अटपटी बातें कहे जा रहे हैं जिनके बाद हम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये बाबा ठरकी, गंदा और घमंडी होने के साथ साथ पागल भी है। और आगे क्या क्या बोलेगा स्वामी ओम, ये जानने के लिए स्टे अपडेटेड विद अस। टॉप न्यूज से दीक्षा की रिपोर्ट।